महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रस्तुत है जिले की विधानसभा सीटों पर सीटीवी की विशेष प्रस्तुति। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बीते दिन जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी डॉक्टर कुणाल खेमनार ने इस चुनाव के संबंध में तैयारियों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी पत्रकारों को दी। और वहीं इस विधानसभा चुनाव में मुख्य राजनीतिक दलों में युति को लेकर तथा सीटों के बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति अभी बरकरार है। और वहीं मुख्य पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार टिकट पाने के लिए मुंबई दिल्ली के गलियारों के चक्कर लगा रहे हैं। और वहीं अगर चंद्रपुर जिले की विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कुछ विधायकों की सीट अपने क्षेत्र से तय मानी जा रही है, मगर वहीं सत्ता के इस शह और मात के खेल में वर्तमान में कुछ विधायकों की सीट पर तलवार लटकी हुई है कि कहीं ऐसा न हो कि उन्हें नजरअंदाज कर उनके स्थान पर पार्टी हाईकमान द्वारा किसी नए चेहरे को चुनावी दंगल में खड़ा किया जाए। और वही हाल जिले के ज्येष्ठ नेता जिन्होंने अपना पिछला चुनाव गवाया था उन्हें नजरअंदाज कर नया चेहरा उभर कर सामने आए, क्योंकि किसी भी चुनाव में नेता के लिए हार जीत तो सबसे ज्यादा मायने रखती है, मगर उसके लिए चुनाव में जीतने का पहला पड़ाव होता है कि किसी मुख्य राजनीतिक पार्टी का टिकट पाना। गौरतलब है कि अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अंतिम समय में कांग्रेस की ओर से सांसद बाड़ू धानोरकर को टिकट दी गई और वे चुनकर भी आए तथा राज्य में एकमात्र कांग्रेसी सांसद हैं और उनकी जीत से चंद्रपुर जिले की विधानसभा सीटों पर नागरिकों के साथ पूरे राज्य की निगाहें लगी हुई हैं। सीटीवी की विधानसभा पर खास प्रस्तुति।